वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर फैक्टराइजेशन। लास्ट टाइम पे हमने एक चीज़ डन की थी कि हमने बेसिक स्टेप्स करने हैं, तो हमने नंबर को कन्वर्ट किया फैक्टराइजेशन के जरिए, हमने नंबर को कॉमन बाय निकाला और वेरिएबल को हमने निकाला, एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव साइन। अब फैक्टराइजेशन बेसिकली आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, वी हैव टू क्रिएट द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। और फैक्टराइजेशन में अगर ब्रैकेट बनानी है तो सबसे पहली चीज़ बेटा कि आपको दो टर्म्स ही उस ब्रैकेट में रखनी है। अगर उससे ज़्यादा टर्म आप बीच में रखते हो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि आप उस सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इन दो चीज़ों में मसला आता है। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, इसमें आपके पास पेयर्स होंगे। ठीक है, पेयर्स हो जाएंगे, मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होंगी, द फर्स्ट वन इज एक्स एंड द सेकेंड वन इज वाई। अब ये हो सकता है x और y हो जाए, लास्ट में नहीं कि ये वेरिएबल ही हो, एक इसमें से नंबर भी हो सकता है और दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल के साथ नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म का जिक्र होता है, इट मीन्स फर्स्ट क्वान्टिटी एंड द सेकेंड क्वान्टिटी। अब अगर बात आ जाती है कैसे अगर ज़्यादा क्वान्टिटी एक्सीड कर जाए, मीन्स x प्लस y प्लस z, तो इट्स मीन आप बात कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन इट्स मीन कि आपने फैक्टराइजेशन तो लगानी है, मीन्स करने हैं वो स्टेप, लेकिन आपने उसको रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना जितना आप रिड्यूस कर सकते हो। और इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई द मेथडोलॉजी ऑफ सिंप्लीफिकेशन इट्स मीन यू आर रिड्यूसिंग द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यू आर रिड्यूसिंग द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यू आर रिड्यूसिंग द फॉर्म ऑफ टर्म्स। तो जितना आप उसको रिड्यूस करोगे इसका मतलब आप किसी चीज़ में उसको कैद कर रहे हो। ऐसे समझो कि आप फैक्ट्री में किसी चीज़ को देखते हो बिल्डअप हो रही है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट को भी आप क्या करते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज से आप उसको कलेक्ट करते हो एंड कलेक्ट एंड मेक अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो अगर तो उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ वेराइटीज हैं, मीन्स आप उसको सिंप्लीफिकेशन में लेके जा रहे हो। अगर वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब आप उसको फैक्टराइज कर रहे हो। ओके, तो चलते सर एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि जो नेगेटिव साइन है ये कैसे पता चलेगा कि ये कब अप्लाई होगा और किस टाइम पे हमें बाहर निकालना है, किस टाइम पे अंदर लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो है ज़रा थोड़ी सी इसको क्लियर करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड द एडवांस स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन की, मतलब अगर आपके पास मोर देन टू टर्म्स आ जाती हैं तो उसके ऊपर कैसे फैक्टराइजेशन अप्लाई होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ओके, माइनस फाइव टाइम्स थ्री प्लस फाइव है। अब लास्ट टाइम पे भी हमने ये एग्जाम्पल की थी और इस एग्जाम्पल में ये था कि हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया था, एक्सपेंड किया था, तो सेम यही एक्सपेंड हम वापस करेंगे स्पेंडिंग में, कि फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज फाइव टाइम्स थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन। ठीक है, एंड देन फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव एक्स। अब बात आ जाती है इस नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन कहता है जब भी ये किसी ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होता है तो ये हर एक साइन को रिवर्स करता है। पॉजिटिव में खासियत नहीं होता, ये पॉजिटिव जब भी कोई साइन अंदर जाता है ब्रैकेट में तो इट्स मीन कि वो किसी भी साइन को चेंज नहीं करता। तो मोस्ट टाइम आप जब भी किसी नंबर को लेके जाते हो जिसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मौजूद है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन को जब लेके जाएंगे वो हर एक साइन को उलट करता हुआ जाएगा। इसमें अगर यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं है, ये थ्री एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, सच है लाइक दिस। तो जब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है और फाइव के साथ जा रहा है, फाइव तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो ये बना देगा इसको भी माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। ओके सेम, अब यही माइनस जब नेक्स्ट इस प्लस को देखेगा तो ये भी उसको क्या कर देगा, इन द फॉर्म ऑफ माइनस। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी और ये सबको पता है कि ये जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग फॉर्म। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म। व्हेन वी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जब हम एक्स की वैल्यू को निकालते हैं तब हम एक्सपेंड करते हैं। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं इस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन।
बेशक ओके। तो जब एक और स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइड को रिमूव कर दूँ, और आपको मैं बोलूं कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको कॉमन में कन्वर्ट करना है या इसका फैक्टराइजेशन प्रोसीजर अप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आएगा कि मैंने इन दोनों में से मल्टीपल चेक करना है कि ये किस टेबल को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों टेबल जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो आप यहाँ से 5 को तो बाहर निकालोगे, ठीक है। अब जब 5 को बाहर निकालो, इट्स मीन कि आपको ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करना है कि वो 5 की टेबल में कब आता है। इट्स मीन कि मैं 5 बाहर निकाल रहा हूँ तो 15 कब आया था, उस नंबर को बीच में रखेंगे, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट इस 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने 5 बाहर निकाला है, तो इट्स मीन वहां पर रह जाएगा दैट इज 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है सामने कि हमने तो यहाँ से ये कॉमन निकाला, अब दोनों के पास सेम नेगेटिव साइन भी है, तो जब मैं नेगेटिव साइन को कॉमन बाहर निकालूंगा लाइक दिस, तो ये हर तरफ से ये माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस जब बाहर आ रहा है, इस माइनस के पीछे जो फिलॉसफी है दैट इज प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड देन माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। कि मीन ये दो मेरे पास ऐसे मेथड हैं जिनमें एक माइनस क्रिएट होता है, और माइनस क्रिएट होने की निशानी क्या है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं अगर इसमें से ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालता हूँ, क्या अब ये पॉजिटिव साइन बना सकता है नेगेटिव? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बेटा एक चीज अपने माइंड में बिठानी है, जब आप इस माइनस को बाहर निकालते हो, इट्स मीन कि वो माइनस तो जा रहा है, लेकिन उसकी जगह जो साइन आएगा दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर। अब जरा चलते हैं एक आज के न्यू क्वेश्चन की तरफ कि अगर तो आपके पास टू टर्म्स नहीं आ रही हैं जिसमें से आप कॉमन बाहर निकालते हो या फैक्टराइज करते हो, तो आप उसके लिए क्या करो। सच है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने अगर कॉमन निकालना है तो हम यहाँ पे तीनों को चेक करेंगे, क्योंकि जो निकलेगा कॉमन वो तीनों से निकलेगा, अदरवाइज हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जब कॉमन देखता हूँ तो मेरे पास 2x निकल रहे हैं, लेकिन थर्ड के पास x नहीं है। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे कोई कॉमन का स्टेप अप्लाई नहीं कर सकता। तो हम टारगेट करते हैं, इस मेथड को कहते हैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड से मुराद क्या है कि हमने ये वाली जो टर्म है इसको ब्रेक डाउन करना है। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू 4 पार्ट्स, तो अभी हमारे पास पहले 3 हैं, तो इसमें जब मैं दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी। देन मैं इसको दो दो पेयर के अंदर क्या करूंगा, पेयर बना के इसमें से कॉमन बाहर निकालूंगा, तब ये जो है एक मेरे पास फैक्टराइजेशन का स्टेप अप लाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जो एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है इस 6 के साथ। अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, इट्स मीन जो वो हिडन नंबर है उसको हम यूज करेंगे। हिडन नंबर से मुराद के एक ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट होता है जो हर एक अल्फाबेट या वेरिएबल के सामने नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे उस नंबर को चेक करूँ तो वो यहाँ पे मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ 1। हम यहाँ पे उस नंबर को 1 में देखते हैं, डिवाइड में देखें वहां पे भी 1 देखते हैं, और अगर किसी की पावर में नहीं है जैसे यहाँ पे x है, तो इसका मतलब वहां पे भी वो 1 मौजूद है। तो यहाँ पे बिट ऑफ 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 टाइम्स 6 इज इक्वल टू अब 6। तो 6 किस किस के टेबल में आता है, वो सारे फैक्टराइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले आता था 2 के, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट 3 times 2 is equal to 6, next 6 times 1 is equal to 6, okay। अब करना क्या है, आपने चेक करना है कि इसमें आपके पास प्लस 5 का नंबर कौन क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि जो आप दो फैक्टर उठा रहे हो, इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ओके। ये फैक्टर तो उसने हमें गाइड किया था कि किस नंबर को आपने ढूंढना है, तो हम इसको तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, आगे चले जाते। इस फैक्टर को अगर मैं प्लस करता हूँ, मीन कि अगर ये जो 2 और 3 है इनको प्लस कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा 5।
इसमें कि ये जब मेरे पे 5 बना रहा है मेरे लिए, तो मैं इस 2, 3 को यूज करके 5 को ब्रेक करूंगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा, लाइक एक्स स्क्वेयर प्लस 2x + 3x + 6 = 0। मैंने दरमियान के नंबर को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे पेयर को कंप्लीट करना, मीन्स पेयर मीन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में दो ही टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनके दो दो के जोड़े बनाऊंगा, एंड देन आई विल फाइंड द परफेक्ट कॉमन नंबर और परफेक्ट वेरिएबल जिसको मैं बाहर निकाल सकूं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों में जो कॉमन नजर आ रहा है दैट इज x, हम मैक्सिमम एक x निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रैकेट, यहाँ पे 2x थे, इसका मतलब जब एक बाहर गया तो 1x बीच में रुक जाएगा, और नेक्स्ट क्या है आपके पास 2x, तो इसमें से x बाहर जाएगा तो आपके पास रह जाएगा सिंपल 2। ओके, ये फर्स्ट कॉमन निकला, अब सेकंड पे अप्लाई करते हैं। तो सेकंड दोनों में जो है वेरिएबल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को निकालेंगे, और नंबर जो है दोनों 3 के या तक टेबल में यूज होते हैं, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, और जो 6 था वो 3 पे जब डिवाइड होगा तो वो दे देगा अपना वो नंबर जिसपे 3 6 बना था, दैट इज 2। अब दोनों टर्म के साथ जो है मीन्स ये x के साथ जो 3 के साथ जो ब्रैकेट है वो भी सिमिलर है, तो क्यों ना इस ब्रैकेट को भी कॉमन बाहर निकालते हैं। तो जब मैं इस ब्रैकेट को कॉमन बाहर निकालूंगा x प्लस 2, तो पीछे मेरे पास रह जाएगा x और दूसरा रह जाएगा 3। अब ये जो फॉर्म में हमारी बनी है, नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि बेटा आपने पेयर बनाने हैं, और पेयर मीन्स के दो ही चीजें मेरे बीच में नजर आए, अगर वो दो से ज्यादा हो जाएगा, नाउ इट इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ओके क्लास, सो दिस वाज द लेक्चर सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में काम करेंगे, जब आपके पास कॉमन नहीं निकलता, दरमियान का नंबर ब्रेक डाउन नहीं होता, और कौन से हमारे पास स्टेप हैं जिसमें हम ब्रैकेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जिस थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन थ्रू फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे पास वो बेसिकली 3 होंगे, हम उसी 3 फॉर्मूलों को बार बार यूज करेंगे टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ टर्म्स इनटू अ ब्रैकेट फॉर्म और इनटू अ फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको यहाँ से भी कोई मसला हुआ बेटा, आप मुझे इन्फॉर्म करो, तो कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक नया सा क्वेश्चन तैयार कर लें। सो टिल देट, टेक केयर, अल्लाह।